श्रीनाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। आज हम रक्षाबंधन की स्पेशल स्वीट बनाएंगे। आज हम खजूर बर्फी बनाएंगे और ये शुगर फ्री है। ये देखिए, हमारी खजूर की बर्फी बहुत ही अच्छी बनी है और ये फुल ऑफ नट्स है और ये शुगर फ्री है, तो ये खाने के लिए भी बहुत ही हेल्दी स्वीट है। तो ये हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और ऐसी सेम बर्फी बनाने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर से देखिए। चलो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें आलमंड 1 कप, केशू नट 1 कप और पिस्ताचियो 1/4 कप लेना है और ये सभी को हमें एकदम फाइनली चॉप करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी नट्स को एकदम बारीक चॉप कर दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हमें ये सभी नट्स को रोस्ट करना है। तो रोस्ट करने के लिए हमें इसमें 1 टेबलस्पून जितना घी लेना है। घी आप प्योर लेंगे, देसी घी लेंगे तो अच्छा है। अब ये सभी को हमें स्लो गैस पे रोस्ट करना है। अब ये नट्स के अंदर हमें पॉपी सीड्स यानी कि खसखस हमें 2 टीस्पून डालना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिए। और ये सभी को मिक्स करके स्लो गैस पे हमें नॉन स्टॉप हिलाते रहना है और इसे रोस्ट करना है। इसे हमें गुलाबी हो जाए तब तक इसे रोस्ट करना है। और ये देखिए, हमारे जो नट्स हैं वो गुलाबी होने लगे हैं। फास्ट गैस पे इसे नहीं करना है, वरना ऊपर से लाल हो जाएगी, अंदर से क्रंचीनेस नहीं आएगी। अब हमें ब्लैक डेट्स लेने हैं, वो सीडलेस रहने चाहिए और इसे हमें माइक्रोवेव से बाउल में रखना है। उसमें हमें 1 टीस्पून जितना प्योर घी डालना है और इसे अब हम माइक्रोवेव में रखेंगे। इसे हमें 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखना है, या फिर अगर आपको गैस पे करना है तो आप इसे पैन में निकाल के इसे गैस पे गर्म कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने डेट्स को माइक्रोवेव से बाहर निकाल दिया है और इसमें हमने जो घी डाला था वो ये डेट्स गर्म है उसमें मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और पिघल जाएगा। और जो डेट्स है वो एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे हमें मिक्सी में क्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे वो अपने आप ही ऐसे क्रश हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जब गर्म है तभी हमें सब प्रोसेस करना है, तो इसे अब हमें हाथों से अच्छे से प्रेस करना है। जितना आप हाथों से मसलेंगे अच्छे से होगा। तो ये गर्म गर्म है, इसके लिए आप माइक्रोवेव में यूज़ करने वाला जो ग्लोव्स रहता है वो पहन के आप उसके ऊपर प्लास्टिक बैग लगा दीजिए और फिर इसे आप अच्छे से आप इसका डो बनाइए। डेट्स अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं और स्मूथ भी हो गए हैं और अच्छे से मैश भी हो गए हैं। तो अब इसमें हम डेट्स डालेंगे जिसे हमने रोस्ट करके रखा था, और इसमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये देखिए, इसमें अच्छे से मिक्स करके ये जो प्रोसेस है हमें जब ये डेट्स गर्म है तभी करना है। ठंडे होने के बाद करेंगे तो वो एक दूसरे में अच्छे से मर्ज भी नहीं होंगे और एक दूसरे से चिपके भी नहीं। तो आप जब ये गर्म है तभी करिए, लेकिन मिक्स करते टाइम ध्यान में रखें क्योंकि डेट्स अभी गर्म है। और अगर ज़रूर पड़े तो आप इसमें 2 टीस्पून जितना घी डाल सकते हैं और फिर मिक्स करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे हमें अच्छे से प्रेस करना है और अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये डेट्स और नट्स एक दूसरे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। हमें खजूर की बर्फी सेट करनी है, तो इसके लिए हमें जो मिक्सर बनाया था इसका थोड़ा प्रोपोर्शन लेना है और उसे प्रेस करके घी वाला हाथ लगा के इसे अच्छे से रोल करना है और ऐसे ऐसे लंबे लंबे रोल बनाने हैं। अब हमें ये डेट के रोल को फॉइल पेपर के ऊपर रख देना है और बाकी का जो पेपर है उसके ऊपर हमें खसखस को स्प्रेड करना है। खसखस का प्रोपोर्शन आप आपके हिसाब से इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। खसखस को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमने जो रोल बनाया है इसे हमें इसके ऊपर रोल करना है। ये देखिए, इसे हल्के हाथ से इसे हमें इसे आगे पीछे करके इसे रोल करना है ताकि इसमें हमने जो खसखस डाली है इसके ऊपर बराबर से स्टिक हो जाए, चिपक जाए। और जो जो पोर्शन हमें खाली लग रहा है उसके ऊपर हम अपने हाथों से भी इसे चिपका के परफेक्शन दे सकते हैं। ये सब अच्छे से जब स्प्रेड हो जाए, अच्छे से चिपक जाए, तब हमें फॉइल को इसके ऊपर अच्छे से पैक कर देना है। फॉइल में पैक करने से हमारी जो खसखस है वो निकलती नहीं है और ये अच्छे से सेट हो जाती है। तो सेट होने के बाद अगर हम काटेंगे तो खसखस इसमें से निकलेगी नहीं। 1 घंटे के बाद इसे हमें फ्रिज में से निकालना है। आप 1 घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से कम ना रखें क्योंकि इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ऑलरेडी डेट्स गर्म थे। तो इसे अब हमें रोल को खोलना है। ये देखिए,
हमारा डेट्स का जो खजूर बर्फी है वो अच्छे से सेट हो गया है और ये रोल परफेक्टली सेट हो गया है और इस पर खसबस भी अच्छे से इसके ऊपर सेट हो गई है और अच्छे से चिपक गई है। इसे हमें इसमें से निकालना है और इसके हमें कटिंग्स करने हैं, लेकिन कटिंग करने के लिए ध्यान में रखना है इसमें हमने जो नट्स डाले थे वो हार्ड रहते हैं और क्रंची रहते हैं, तो इसके लिए हमें जो नाइफ यूज़ करनी है वो एकदम शार्प रहनी चाहिए और इसे एकदम स्लोली और परफेक्टली कटिंग करना है जिससे इसके शेप भी बिगड़े नहीं और अच्छे से कट हो जाए। ये देखिए हमारे खजूर बर्फी परफेक्टली तैयार हुई है। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स जो नट्स हमने डाले थे उसके सभी शेड्स और कलर भी दिख रहे हैं और रेड भी हमने इसमें ब्लैक यूज़ किया है। आपको अगर रेड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक टेड्स परफेक्ट अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारी खजूर बर्फी परफेक्ट तैयार हुई है। हमारी खजूर बर्फी तैयार है। इसमें हमने कोई शुगर यूज़ नहीं की है, कोई जेगरी यूज़ नहीं की है या फिर कोई हनी यूज़ नहीं किया है। इसे हमने प्योर डेट्स और नट्स में से ही बनाया है तो ये हेल्दी है। फ्रेंड्स इसे आप अच्छे से पैकिंग बॉक्स में इसे सर्व कीजिए। ये देखिए इसे अच्छे से पैकिंग करना है तो इसका लुक्स भी अच्छा आएगा और इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसे आप अच्छे से सेट करके इसे लेके जाइए। हो सके तो आप इसे लाल खजूर की जगह पे काले खजूर में बनाइए। काला खजूर टेस्ट के हिसाब से और लुक के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से सबसे अच्छे हैं। काले खजूर की बर्फी टेस्ट में बहुत ही अच्छी बनी है। ये सॉफ्ट भी है, साथ में इसमें जो नट्स है उसका क्रंचनेस भी है, तो ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप रक्षाबंधन में आपके भाई के लिए ये ज़रूर बना के लेके जाइए। ये स्वीट को आप कोई भी ओकेज़न में बना सकते हैं, ये टेस्ट में अच्छी ही लगती है। खजूर बर्फी आप बनाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए।